हेलो चिल्ड्रन गुड मॉर्निंग आई एम ए दक्षा टीचर फ्रॉम पारस इंग्लिश स्कूल टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू इंग्लिश इंगल सब्जेक्ट शोल्डर्स कंटिन्यू चैप्टर नंबर वन एक्ससाइज नंबर टू एडवर्ब्स एडवर्ब्स इन एडवर्ब आंसर द क्वेश्चन हाउ क्वेश्चन मार्क दिया है एक क्रियापद प्रश्न ना जवाब आप एक्साम्पल उदाहरण दिया है द हाउ लाउडली यानी फार्मर्स द फार्मर स्क यानी खेड़ खेड़ जो खेडूत होता है फार्मर वो कैसे बोलता है तो द दामसॉक लाउडली तो, तो खेडूत होता है वो लाउडली यानी मोटे थी बोलता है यानी बहुत लाउडली आवाज में वो बोलता है मोस्ट एरब आर फॉर्मेड बाय एडिंग एलवाई लगाना है सब में एलवाई लगाएंगे इसमें एडब में भी वन नंबर में दिया है एक्सीडेंट एक्सीडेंट एक्सीडेंटली एलवाई लगाया उसमें तो एक्सीडेंटली हो गया अकस्मात आकस्मिक एक्सीडेंटली Bad, खराब और खराब रीते बेड और बैडली बोल्ड बोल्ड बोल्डली एल वाई लगाना है सब में पीछे ऐड करेंगे एल एलवाई एड इगरली ऑनेस्ट ऑनेस्टली Honesty, honestly. Kind, kindly. Kind, kindly. Tight, tightly. Tight, tightly. Sudden, suddenly. Sudden, suddenly.

भी सब में एडवर्ब में एडिंग की एलवाई लगाया है पीछे सब में एलवाई आया है आपको देख रहे हो रेड लाइट रेड कलर से एलवाई लगाया हुआ है बैड बैडली बोल्ड बोल्डली इगर इगरली ऑनेस्ट ऑनेस्टली काइंड काइंडली टाइट टाइटली शड एंड सडनली शडनली चेयरफुल चेयरफुली ब्यूटीफुल ब्यूटीफुलोटल टोटली यूज यूजली अभी यह सब में एल लगा हुआ है इसमें आई एल वाई लगेगा जहां पे वाई है वहां पे क्या लगाएंगे आई एल वाई अभी इसमें एग्री लिखा है तो उसमें वाई आता है लास्ट में तो जहां वाई लास्ट में आता है वहां पे क्या लगेगा आई एल वाई लगेगा कहाँ लगेगा जहां वाई आता है लास्ट में एडवर्ब तो आई एल वाई लगता है क्या लगता है एल वाई एग्री एग्रीली क्रेडी क्रेडी ली तब में वाई है तो आई एल वाई लगेगा लेजी जी ले जी ली लेजी ले जी ली हैप्पी लीप्पीप्पी ली मेरी मैरी ली मेरी मेरी ली लक्की लकी लक्की लकी, लकी ली। इजी इजी इजीली Easy, easily. Angry, angrily. Angry, angrily. अभी सब में क्या लगाया है आई एल बाय लगेगा क्योंकि लास्ट में उसमें वाई लगा है तो आई वाई होता है तो आई एल बाय लगता है और सब एडवे आर एस फॉलो नीचे दिया है सम एडबर फास्ट एयरलीट वो सेम ही होते है एडब से होते है फास्ट एयरली और लेट है वो सेम ही रहते हैं अभी एक बार फिर से रीडिंग करेंगे हम एक्सीडेंट एक्सीडेंटली अकस्मत आकस्मिक बैड बैडली खराब खराब रहते

सडनली एकाएक चेरफुली खुश राजी होता है चेरफुली आनंदा ब्यूटीफुल सुंदर ब्यूटीफुली उत्तम सुंदर होता है सबसे ज़्यादा सुंदर होता है वो टोटल संपूर्ण टोटली यानी संपूर्ण पूरे पूरे यूजियल हमेशन रोजनु होता है उस, उस युजियल के उसके यूज सामान्यपणे यानी सामान्य रीति होते वो हो। नीचे है एंग्री गुस्से और एंग्रीली क्रोधी ग्रेडी लोबी और ग्रेडीली भी लोबी होता है लेजी यानी आड़सू और लेजीली भी आड़सू हैप्पी आनंद हैप्पीली ली आनंद थी सुखी थी मेरी कुश और मेरी ली सुखी लकी भाग्यशाली और लकीली शतभाग्यशाली होता है इजी सहलू इजीली सहलाई थी हैंगरी भूख्यू हैंग्रीली बहुत भूक्यू और एडवर्ब में आपने बताया फास्ट ईयरली और लेट होता है वो शेम टू शेम रहता है उसको ही फॉलो करते हैं द ब्लैंक्स विद द एडबर्ब फिलिंद द ब्लैंक्स विद द एडवर्ब एग्जाम्पल दिया है यस रिचर्ड होम ईयरली ईयरली है तो ईयरली आएगा पहले आपको बताया है फास्ट ईयरली और लेट होता है तो वही का वही एडमिट रहता है तो यस रिचर्ड होम ईयरली तो यस होता है वो अपने घर जल्दी पहला यानी जल्दी पहुंचता है वन नंबर में दिया है द टीचर स्पोक एग्रीली द टीचर स्पोक एंग्रीली तो शिक्षक होते हैं वो गुस्से से बोलते हैं यानी स्पोक यानी बोलना वो टीचर होते गुस्से से बोलते हैं वो नंबर द चिल्ड्रन आर प्लेनिंग हैप्पीली यानी बच्चे लोग वो खेल रहे हैं हैप्पीली यानी खुशी से खेल रहे हैं खुश खुशहाल खेल रहे हैं वो लोग थ्री नंबर प्लीज होल्ड द रोप टाइटली प्लीज होल्ड द रोप टाइटली यानी प्लीज यानी मेहरबानी मेहरबानी करके रोप यानी डोडा होता है इसको पकड़ के रखो उसका मीनिंग होता है प्लीज ओल्ड द रोप टाइटली यानी मेहरबानी करके डोडे को जो रोप होता है रोडे को उसको पकड़ के रखो वो नंबर सडनली इट स्टार्टेड रेनिंग एंड वी हैड टू रूस इनटू द हाउस यानी अचानक बारिश आने की अचानक बारिश शुरू हो गई तो हम अपने घरों में घुस आए जिसका मीनिंग होता है सडनली इन स्टार्टेड रैनिक अचानक बारिश शुरू हो गई एंड वी हैड टू द हाउस तो हम अपने घरों में घुस आए पॉइंट नंबर द लिटल बॉय स्पोक बोडली इन फ्रॉम ऑफ द हग ऑडियंस यानी जो छोटा बच्चा है वो विशाल यानी प्रेक्षक है ज्यादा प्रेक्षक है तो उसके सामने वो बोलता है बोडली यानी हिम्मत से बोलता है वो द लिटल बॉय स्पो ब्रोडली इन फ्रंट ऑफ द हग ऑडियंस विशाल प्रेक्षकों के सामने वो बोल्ड, बोल्ड होके वो बोलता है घबराए बिना वो बोल रहा है ऑल एट द डेलीसेट केक वी ऑल लुकेड ग्रेडली एट द डेलीसेस केक तो अपने को क्या इसमें बताया है कि अपने लोग स्वादिष्ट केक के सामने लोभी नज़र से देखते हैं ग्रेडली यानी लोभी नज़र से देखते हैं जो अपने को स्वादिष्ट केक रखी होती है तो उसको सामने हम लोभी नज़र से देखते हैं अभी आपको क्या बताया है इसमें अभी आपको ब्रैकेट दिया है इसमें ग्रेडी लिखा है तो वाई आया है उसमें तो आई एल वाई लगता है तो ग्रेडीली आएगा उसमें ग्रेडिली अभी यूज यूजर तो यूजली हाँ तो यूजली आई एम ऑलवेज लेट टू स्कूल यानी मैं हमेशा स्कूल में लेट जाता हूँ क्या होता है उसका मीनिंग मैं हमेशा स्कूल में लेट जाता हूँ यूजली अब इसमें फास्ट है तो फास्ट का फास्ट ही रहेगा फास्ट का फास्ट रहता है इधर फास्ट या है ब्रैकेट में है, तो फास्ट रहेगा मोहन इज ड्राइविंग फास्ट तो मोहन वो ड्राइविंग फास्ट यानी जड़प से कर रहा है लक्की दिया है नाइन नंबर में गौरव टेस्ट लक्की तो भाई आया है तो एल वाई लगेगा लक्की ली गौरव टेस्ट गौरव ने क्या किया है गौरव ने परीक्षा पास की गौरव ने परीक्षा पास की टेन नंबर द ओल्ड मैन वॉलकेड पाइकली टू वर्ड हाउस पाइक तो वाई लगेगा तो ओल्ड मैन वॉलकेड यारी वृद्ध मानस वृद्ध मानस होता है वो धीमे थी वॉलकेड यानी चल के धीमे से वो अपने घर तरफ आया द ओल्ड मैन वॉल्ड प्वाइटली टू वर्ड हीज हाउस वो रुद्धा इंसान होता है वो धीरे से यानी वो चल के वो धीरे से अपने घर तक आता है इलेवन नंबर लेजी है आई आया, आया है तो आई एलवाई आएगा उसमें रामू वॉ स्लीपिंग लेजी ली अंडर द ट्री रामू वॉ स्लीपिंग लेजी अंडर द ट्री तो रामू आराम से लेजी ली यानी आराम थी के नीचे सो रहा है अंडर द ट्री के नीचे सो रहा है ट्वेल्थ नंबर द किंग बिहेवियड खलजिग द तो फार्मर काइंड है तो काइंडली आएगा एलवाई लगेगा द किंग बिहेवियड काइंडली विथ द फार्मर हम्म यानी एक यानी राजा ने खेड के साथ बिहेवियर यानी अच्छा व्यवहार किया है काइंडली मायाडू का होता है तो जो राजा था उसने क्या बिहेवियर उसका काइंडली विथ तो फार्मर के साथ अच्छा वर्तन किया है थर्टीन नंबर ऑनेस्ट ऑनेस्टली राजू वर्क तो राज़ है वो क्या है अपना काम प्रामाणिक यानी ऑनेस्टली यानी प्रामाणिक पर से कर रहा है राज डस हिज वर्क राज़ है वो अपना काम प्रामाणिक पर करे करता है वो अपना काम अच्छी तरह से इजी यानि इजीली तो फोर्टीन नंबर यू कैन सोल्व दिस सम इजीली जो सम है जो सम की रकम दी है उसको हम इजिली सॉल्व कर सकते है यू कैन सोल्व दिस सम इजीली ब्यूटीफुल है तो ब्यूटीफुल ही आएगा एल वाई लगेगा उसमें वी हैव डेकोरेटेड द लास्ट रूम ब्यूटीफुल वी हैव कैमने अपना क्लासरूम रूम अच्छी तरह से सजाया है वी हैव डेकोरेटेड द क्लासरूम रूम ब्यूटीफुली सिक्स नंबर में आपको इसमें क्या है तो ब्रैकेट दिया है वो हिसाब से आपको फिलिंग ब्लैंक्स को फिल अप करनी है बाय आता है तो आई एल बाय लगता है और फास्ट है लेट है इजी है तो वही का वही रहेगा और बाय आता है तो आई एल वाई लगता है और बाकी में एल वाई लगेगा वी ऑल लुकेड क्रेडिली एट दिलिशन केक डिलीश केक टू नंबर सेवन नंबर यूजली आई एम ऑलवेज लेट टू स्कूल मोहन इज डाइविंग फास्ट नाइन नंबर लक्की गौरव पास गौरव ने परीक्षा पास की द ओल्ड मैन वॉल केड पाइकली टू वर्ड हिस्स हाउस दो बूढ़ा मानस होता है वो धीरे से चल के अपने घर तरफ आता है रामू वॉ स्लीपिंग लेजी अंडर द ट्री रामू है वो आराम से ट्री के नीचे सोया है फ्रेंड नंबर द किंग बिहेव काइंडली विथ द फार्मर जो राजा है उसका व्यवहार फार्मर के लिए अच्छा है यानी मायाडू है रा डस हिज वर्क ऑनेस्टली राजे वो अपना कार्य अच्छी तरह प्रामाणिकपणे करता है वोटिन नंबर यू कैन सॉल्व दिस सम इजीली जो हमको शम्स की जो शम्स दिया है वो हम इजीली कर सकते हैं वी हैव डेकोरेटेड द क्लासरूम ब्यूटीफुली। वर्क करने अच्छी सड़क से सजाया हुआ है ब्यूटीफुल डेकोरेट किया हुआ है अभी क्वेश्चन नंबर थ्री दिया है रीड द फॉलोइंग क्वेश्चन नंबर थ्री रीड द फॉलोइंग कन्वर्सेशन एम एजी यू आर अमन राइट द कन्वर्सेशन इन द फ्रॉम ऑफ ए पेजेस कन्वर्सेशन का मीनिंग होता है वार्तालाप करना वार्ता करनी नीचे चित्र चित्र और कल्पना करो यानी अमन पैसेज न रूप में बातचीत लखो ऐसे बारे में पैरेग्राफ पूरे आपको दिए उसमें पढ़ के नीचे पूरा पैरेग्राफ लिखना है चीत हेलो अमन वेर आर यू गोइंग जी थे वो एक लड़ जी थे वो एक व्यक्ति वो बोलता है हेलो अमन वेर आर यू गोइंग तुम्हें क्या जाओ अमन आई एम ए गोइंग टू टेक पार्ट इन द द्लीनिनेस चैम्पिंग इन अवर स्कूल अमन क्या बोलता है कि हमारे स्कूल में शाड़ा में स्वच्छ शिविर भाग लेवा दे यानी अपने स्कूल में क्लीनिंग ने स्वच्छता के लिए जो शिविर रखी है उसमें मैं भाग लेने चैंपियनिंग इन अवर स्कूल भाग लेने के लिए जा रहा हूँ जीत वॉट इज दैट तेसु जीत बोलता है तेसु वो क्या है आई हैव नियर हिड आई नी वट इज दैट आई हैव नीवर हेयर ऑफ इट बोले मैं उसके लिए कभी सुना नहीं है अमन वी विल क्लीन अवर स्कूल एंड सराउंडिंग एरिया अमन बोलता है हम लोग हमारे स्कूल को और आसपास के विस्तार को शाप कर रहे हैं चीट व्हाट इज वंडरफुल चीट बोलता है वो अद्भुत है कैन आई ऑल्सो कम विथ यू So, वो बोलता है कि मैं मैं भी आ सकता हूं तुम्हारे साथ में जीत तो अमन वाई नॉट केम नहीं वो बोलता है वाई नॉट केम नहीं क्यों नहीं ऐसे यू विल यानी तुम हमारे साथ में आ सकते हो आनंद से आ सकते हो वन वी अब इसमें पूरे पैराग्राफ लिखा है वो हिसाब से यस्टरडे Yesterday, I met Jeet when I was going to school. He visited me and asked me where I was going to. Told him that I was going to school to part in the cleanliness championing. He was surprised. He me what is was and said that he.

वो अपने को लिखना है इधर अभी एक्सरसाइज नंबर में फोर में है राइट ए पैराग्राफ ऑन माय फेवरेट फ्रूट द पिक्चर ऑफ योर फेवरेट फ्रूट इन द बॉक्स माय फेवरेट फ्रूट है फ्रूट कौन सा है माय एप्पल इज माय फेवरेट फ्रूट इट इज सेड इन एप्पल एप्पल सेड है डॉक्टर ऑलवेज एंड इट इज ट्रू बिक्पल की अपने को अपनी हेल्थ और फिट रखता है रोज एक फ्रूट खाने से द एपल इज मीडियम साइज फ्रूट इट इज रेड इन कलर एंड स्वीट टेस्ट इटिंग एप्पल मेक्स अवर टीथ हेल्थी एंड राइट एप्पल आर गुड फॉर ए हेल्थी स्किन अपनी स्किन भी अच्छी होती है एप्पल खाने से एप्पल गिवर्स विटामिन बी एंड द हेल्प टू इम्प्रूव अवर मेमोरी एप्पल हेल्प इन द गुड डायजेस्टन ऑफ फूड दे गिवर्स एनर्जी एप्पल आर यूज इन फ्रूट सलाड फ्रेश एप्पल जूसिस इज ऑल्सो वेरी गुड फॉर हेल्थ जो इसका जूस पीने से अपनी हेल्थ अच्छी होती है तेर आर एप्पल केक्स एंड एप्पल पीसिस इन द कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश के अंदर होते हैं जमीन के अंदर और अभी नीचे दिया है आपको पैराग्राफ वेजिटेबल का वेजिटेबल के बारे में बताना है और उसको चित्र तो करना है ए पोटेटो इज ए रूट वेजिटेबलियम ट्यूब्रस मज ए स्मॉल प्लांट विट लार्ज लीव्स उसको स्मॉल प्लांट होते है छोटे पत्ते और लार्ज बड़ी लिव्स होती है द पार्ट ऑफ द पोटेटो दैट ग्राउंड अंडर द ग्राउंड वो पोटेटो होते है उसका वो जमीन के अंदर होते है

जो मैंने समझाया वो होमवर्क में लिखना है समझ गए ओके